बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 92 अंक चढ़ा सेंसेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 252 अंक घटकर 39,578 पर। टाटा गंदार की आईपीओ को 6 गुना अभिदान, एंकर निवेशकों से जुटाए 791 करोड़ रुपए। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोची और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया है कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों यानी सीआर का ठीक से पालन नहीं करी है। इस संदर्भ में एयर इंडिया को 3 नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया है कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीआर का अनुपालन नहीं करी है। इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें ना पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान ना देने की बात भी कही गई है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इस दौरान बाजार को इंफोसिस, आईटीसी और रिलायंस जैसे प्रमुख शेयरों में खरीदारी से मदद मिली। कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों की शेयर बाजारों में लगातार बिकवाली के चलते बाजार में बढ़त सीमित रही। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 92.47 अंक चढ़कर 67,023 अंक पर बंद हुआ है। दिन के कारोबार में इसने 65,664 के निचले स्तर और 67,063 के ऊपरी स्तर को छुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 28 अंक बढ़कर 19,812 अंक पर बंद हुआ। मिड कैप में भी तेजी आई और यह 110 अंक बढ़कर 33,517 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में मुनाफा वसूली दबाव बनने से बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 252 अंक घटकर 39,578 अंक रह गया। अमेरिकी बाजार बुधवार को तेजी के साथ खुले और डो जोन्स शुरुआती कारोबार में 250 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था। इंजीनियरिंग एवं उत्पाद विकास संबंधी डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के सार्वजनिक निगम आईपीओ को बुधवार को खुलने के कुछ मिनट बाद ही पुनः अभिदान मिला। एनएसए के आंकड़ों के अनुसार कंपनी को पहले दिन कुल 6.54 गुना अभिदान मिला। टाटा टेक्नोलॉजीज ने एंकर निवेशकों से 791 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने आईपीओ के लिए 475 से 500 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था। यह 24 नवंबर को बंद होगा। चीन में टैक्स अधिकारियों ने फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की सहायक कंपनी पर खर्चे बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए 2,800 रुपए डॉलर यानी करीब 2.33 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चीनी टैक्स अधिकारी एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली इस कंपनी के खिलाफ व्यापक जांच कर रहे हैं। ये जुर्माना वुहान स्थित फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट पर 2021 और 2022 में आरएनडी खर्च ज्यादा दिखाने पर लगाया गया है। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के बीच बुधवार को सीमित दायरे में कारोबार के बाद रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि घरेलू बाजारों के नरम रुख का असर स्थानीय मुद्रा पर पड़ा, जबकि कच्चे तेल में करेक्शन से मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.31 पर खुला और फिर 83.34 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 92 अंक चढ़ा सेंसेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 252 अंक घटकर 39,578 पर। टाटा गंदार की आईपीओ को 6 गुना अभिदान, एंकर निवेशकों से जुटाए 791 करोड़ रुपए। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।